हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दिलशाद एंड वाचिंग द शामिश्ता व्लॉग। गाइस आज मैं एक बहुत ही फेमस फूड पॉइंट पर आया हूँ। ये फूड पॉइंट है डी ग्राउंड और इस फूड पॉइंट का जो नाम है वो है चाचा समोसे। तो इनके जो समोसे हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरे फैसलाबाद में। तो आप कहीं किसी से भी पूछ लें तो आपको बताएंगे कि डी ग्राउंड में चाचा समोसे हैं और वो कहाँ पर हैं। चले आए गाइस इनसे बात करते हैं कि ये कितनी पुरानी शॉप है और कब से ये माशाल्लाह ये समोसे लगा रहे हैं और ये हिस्ट्री बताते हैं आपको शॉप की। तो मेरे साथ वसीम आया हुआ है और मेरे साथ आया हुआ अर्श। तो बहुत से भाई बोलते हैं कि यार ये अर्श आपकी वीडियो में आता है लेकिन अर्श बहुत ज़्यादा खामोश रहता है। बेसिकली ये है कैमरा शाये, तो इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो इस वजह से इसको मैं आप वीडियोज़ में लेके आता हूँ ताकि यार ये ज़रा ना थोड़ा सा ठीक हो जाए। क्या ख्याल है? ये अब भी नहीं था आ रहा वीडियो में, हमने स्पेशल इसको स्कूल से छुट्टी करवा के लेके आए। फैसलाबाद और जुगतना पड़े, ये कैसे हो सकता है? तो ये देखे अर्श जो है ना इसे फील कर रहा, फील तो नहीं कर रहा भाई। तो अर्श को भी पता है, तो अर्श को भी इस फूड पॉइंट का पता है। हम बहुत दफ़ा यहाँ पर आए हैं तो आज एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। चले गाइस खुद भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि हमें समोसे कैसे लगे और ये जो ऑनर है शॉप के उनसे भी बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस ये शॉप के ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? तो ये कब से आप ये शॉप है, कितनी पुरानी शॉप है और कब से ये आप लगा रहे हैं समोसे? माशाल्लाह बड़ा नाम है चाचा समोसे का पूरे फैसलाबाद में। बिल्कुल, ये तकरीबन 50 साल हो गए, हमारे वाले साहब ने शुरू किया था। अच्छा जी, तो कब से काम चल रहा है? तो इसके अलावा भी आपकी कोई और भी ब्रांच है फैसलाबाद? और कोई ब्रांच नहीं। आपके माशाल्लाह समोसे पूरे फैसलाबाद में मशहूर है, तो इसकी असल वजह क्या है कि लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर समोसे खाने? सर जी अच्छा मटेरियल, अच्छे मसाले जात की वजह से अच्छा मीयार बनाते हैं। तो आपकी शॉप कितने बजे ओपन हो जाती है, कितने बजे क्लोज होती है? सुबह 10 से रात को 10 बजे तक। आपके पास क्या क्या होता है यहाँ पर? जस्ट समोसे होते हैं, इसके अलावा और क्या चीज़ होती है? समोसे भी होते हैं, दही भल्ले होते हैं, फ्रूट चाट है। अच्छा जी, पकौड़े, चिप्स, हर आइटम्स। अच्छा, तो क्या इसकी प्राइस है, यानी कि एक समोसा या एक प्लेट कितने की देते हैं आप? 90 रुपये की एक प्लेट होती है जिसमें दो समोसे होते हैं जी। और फ्रूट चाट कितने की देते हैं? वो 120 की होती है। और इसके अलावा फ्रूट, इसके बाद दही बल्ले होते हैं आपके पास? जी दही बल्ले जी। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइज अब हम खुद समोसे टेस्ट कर आपको बताते हैं कि हमें समोसे कैसे लगे। तो यहाँ पर ओपन स्पेस है, यहाँ पर बैठते हैं, तो बाहर ही इन्होंने जो है ना वो टेबल चेयर्स लगाई हुई हैं। ये भाई जानी जी इनको ऑर्डर दिया है हमने। तो क्या नाम है जी आपका? क्या है, ऊंचा बोले ज़रा। तो माशाल्लाह कब से आप काम करें यहाँ पर? 16 साल से। तो अच्छा, तो इनका माशाल्लाह अखलाक कैसा है? अच्छा जी, 16 साल हो गए जी। गाइज माशाल्लाह हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये आप देखें
समोसे मंगवाए हैं और साथ में मंगवाए हैं दही भल्ले। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह समोसे हैं इनका, देख रहे हैं माशाल्लाह साइज़ भी बड़ा है। साथ में इन्होंने सैलड दिया है, साथ में है मीठी चटनी और साथ में है चने। तो हम माशाल्लाह टेस्ट करते हैं, अब वसीम भी टेस्ट करेगा। ज़बरदस्त समोसे हैं इनके, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। कुछ ना कुछ खास बात होती है इसलिए पूरे लोग जो है ना इसलिए फेमस और लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये साथ में दही भल्ले हैं, तो इनको भी ट्राई करते हैं, आप भी करें। फ़ायदा अब हम करते हैं वीडियो को बंद और इसको करते हैं फिनिश। उसके बाद कहाँ जाएंगे जी? बम्बिनो पान शॉप जो फैसलाबाद डी ग्राउंड के कॉर्नर पर है। चले जी गाइस, अब हम खड़े हैं डी ग्राउंड, तो ये साथ ही बम्बिनो पान शॉप है, बहुत ही फेमस ये पान शॉप है। तो ये बिल्कुल डी ग्राउंड के जो है ना वो कॉर्नर पर है, तो यहाँ पर बहुत ही फेमस फूड पॉइंट है और भी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में वो एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें ताबश बिरयानी, बन्नो पुलाव और काफ़ी फूड पॉइंट्स हैं। तो माशाल्लाह जो हम समोसे खाकर बिल्कुल फुल हो चुके हैं, इस बोतल की तो तलब होती है। हाँ जी, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बम्बिनो पान शॉप, वहाँ पर मैं तो पान नहीं खाता लेकिन ये है कि कभी कभार मीठा खा लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको भी हम कवर अप करेंगे। इनका माशाल्लाह पान बहुत ही ज़्यादा फेमस है मीठा, तो बहुत ही चीज़ें डालते हैं उसमें, बहुत ही मेवा जात होते हैं, तो मज़ा जब बंदा खाता है तो मज़ा आ जाता है। सिर्फ मीठा नहीं है, कई किस्म के पान है, जैसे चॉकलेट पान हो गया और फ्लेवर, काफ़ी तरह के फ्लेवर पान है इनके पास। तो एक स्पेशल वीडियो इन पर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो गाइस अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। यार बोतल ठंडी है।